सचिन जी, आज राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दिया है और एक नए भारत का की परिकल्पना सबके सामने रखी है। देखिए, ये आज का जो अधिवेशन है, यहाँ से एक मैसेज जाएगा आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस की सोच क्या है, और अनुभव और ऊर्जा का एक अद्भुत मिश्रण कांग्रेस में हमेशा से रहा है। आज राहुल जी के भाषण से बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में हम लोग तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे, भाजपा का पतन और हम लोग बड़ी विनम्रता से दोबारा कांग्रेस की शासन की यहाँ पे जो हमने कल्पना की है उसको सच्चाई में तब्दील करेंगे। उन्होंने संकेत भी दिए कि अब नए कांग्रेसियों का ये जो पिछली पंक्ति में बैठा उसको आगे लाने का समय है, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे नेताओं को आगे लाने। उनका कहने का मतलब यह है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जिन लोगों ने दशकों का अनुभव हमारी पार्टी को दिया है उनका पूरा सम्मान होगा, लेकिन ये देश युवा है, उनके युवा की जो ऊर्जा है उसका भी संचालन सही दिशा में हो, इस बात पर उन्होंने अपना फोकस रखा। आज राहुल जी ने जो संदेश दिया कार्यकर्ताओं को, माना जाए कि 2019 के लिए मंत्र है। निश्चित तौर पर जिस तरह का ऐतिहासिक बदलाव की बात है और अध्यक्ष पद के ग्रहण करने के बाद कार्यकर्ताओं को जिस तरह का भाषण दिया है, कार्यकर्ता में उत्साह, और निश्चित तौर पर 2019 में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे प्रेरणा लेके कांग्रेस सत्ता में लाएंगे। सर, उन्होंने एक संकेत संगठन के अंदर भी बदलाव के दिए हैं कि अब कुछ नए लोगों को आगे लाया जाएगा। स्वाभाविक है, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदली है, यहाँ पर 65% से ज्यादा नौजवान आदमी 40 साल से कम उम्र के हैं, तो जिस तरह का इलेक्टोरल डेमोग्राफी बदली है उसके हिसाब से संगठन में भी बदलाव करना आवश्यक है, जिससे उनकी एस्पिरेशन को ध्यान कर रखकर सत्ता में ला सके। सर, राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, बहुत अच्छा भाषण हुआ। देश का भी राहुल गांधी जी ने जिक्र किया, कहा कि जिला में कई सारे काम है, उनको रोजगार को बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर है, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो काम हमने किए और जो अधूरे रहे उन कामों को पूरा करेंगे। आपसी झगड़े को भी दूर करने की बात कही है। जाहिर है, वो तो हमेशा कांग्रेस का प्रयास रहता है कि आपस में झगड़े न हो।